सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सारे के साथ। तुम्हें वापस आ चुका हूं पोकेमॉन नाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। इस सीजन मेटा चाहे किसी भी पोकेमॉन का, हर टीम में तुम्हें एक ना एक सिंड्रेस तो पक्का देखने को मिलने वाला है। रीजन वो तो तुम्हें पता ही है। और मैं सही बता रहा हूं, अगर किसी टीम में पहले से दो अटैकर है, बंदे तीसरा अटैकर सिंड्रेस जोड़ लेते हैं, भले ही वो लास्ट के दो मिनट में लेन खेल के सिंड्रेस बने, लेकिन वो लेगा सिंडी ही। अभी हम मास्टर पुश करने के लिए इस सीजन डुओ ट्रियो ज्यादातर खेल लेते। हमारे हर एक मैच में एक ना एक टीम में सिंड्रेस आता था। हम लास्ट फाइट में भी निकाल भी लेते थे, लेकिन एक सिंडी ऐसा ना ऐसा होता ही था कि कोने से अकेले हमारी टीम के साइड से रिक्वाजा मेल्ट करता जाता था और सामने वाले टीम का जो लास्ट बंदा होता था वो लास्ट हिट लेकर चला जाता था और हम उधर कोने में उनके चार बंदों को मार गए। और एग्जैक्ट इसी तरीके से बहुत सारे मैचेस हारने के बाद हम इस मैच से खेलने लगे दो डिफेंडर एंड सिंगल अटैकर, जिसमें से हमारे पास एक गार्डिवर है रैंडम जो कि लेफ्ट ओवर्स के साथ खेल रही है, एंड एक एप्सोल है जो कि असोल वेस्ट के साथ खेल रहा है। और हमने इस मैच में लैपरिस क्रेमो इसलिए लिया ना कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में हमारे सामने दो टारगेटर्स तो आते ही है, जिसमें से एक जेरोरा तो कंफर्म होगा, दूसरा लीफियन या तो जोरार्क में से एक कोई। उसके ऊपर से अगर तुम्हारे सामने कोई लुकारियो प्लेयर आ गया अच्छा सा, तब तो तुम सोच ही लो। लास्ट सीजन हमें गेम में डबल डिफेंडर मेटा देखने को मिला, जिस वजह से ज्यादा लैपरिस क्रेमो चला नहीं, क्योंकि अगर कोई डिफेंडर क्रेमो के अल्ट के सामने आ जाएगा तो पूरा डैमेज वो अकेले झेल लेगा और मैं ज्यादा बंदों को मार भी नहीं पाऊंगा। बट इस सीजन मोस्टली ऑलराउंडर एंड स्पीडस्टर्स का मेटा चल रहा है, तो टारगेटिंग पोकेमॉन्स मैच में बहुत ज्यादा आ रहे, तो लैपरिस क्रेमो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस सीजन मैंने मोस्टली क्रेमोर एंड नाइनटेल्स एंड ब्लास्टोइस से ही पुश किया है। अगर हम लोग इस मैच की बात करें तो गेम के स्टार्टिंग में हम लोग टॉप लेन में चले जाते, इजी तरीके से डोमिनेट कर लेते, टारगेट होने से मैं बच जाता हूं सर्फ की वजह से, और उसके बाद बॉटम लेन में जाके वो बेस भी हम खाली कर देते, बॉटम ऑब्जेक्टिव सिक्योर करते, थोड़ा स्कोर कर लेते और टॉप लेन में आके रेजिले के सिक्योर करके बेस में एंटर करके वो बेस भी खाली कर देते हैं। रेजिया इसलिए हम लोग यहाँ पे लैपरिस क्रेमो करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन उससे पहले हमारे टीममेट्स ने दो बंदों को मार लिया था, बचा था जोरार्क एंड क्लिफेबल, उनको हम मार के स्कोर कर लेते हैं। और इनका जो लास्ट बंदा था ना, वो टॉप लेन में जाके अकेले रेजिले की मेल्ट कर रहा था, ऑल्दो वो उससे मिल भी नहीं पाया, और हम इस बॉटम लेन के बेस को बहुत ज्यादा ओवर कैप करके खाली करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे गंदे एम के वजह से इंटेलियन मुझसे बच जाता है, तो मैं फिर से आया था इनसे बदला लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा गलत हो जाता है। फाइनल शॉट चालू होते हम लोग यहाँ पे लैपरिस क्रेमो करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लैपरिस क्रेमो चालू होने से पहले ही खत्म हो गया, जोरोआर्क से हम टकरा गए, गार्डिवर ने ना जाने क्यों उस पे यूनाइट चला दिया और मेरा यूनाइट भी यहाँ पे फंस गया। थैंकफुली हमारा एप्सोल खेल जाता है, फाइट हम लोग ऑलमोस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं लग जाता हूँ रिक्वाजा को मेल्ट करने के लिए, एंड एट दी एंड लास्ट हिट लेके हम लोग रिक्वाजा सिक्योर कर लेते हैं। रिक्वाजा को पूरा ए टू जेड मेल्ट किया मैंने, इतना ज्यादा लो किया मैंने, लेकिन लास्ट हिट लेके गया स्लोब्रो अपने मुंह से पिचकारी मार के, चलो ये भी ठीक है। बट एक बात ये भी है कि अगर लास्ट हिट मुझे मिल चुका था तो हम लोग स्कोर तो बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि मेरी पनौती इतनी ज्यादा स्ट्रांग है आजकल। और इस मैच में मैं यहाँ वहाँ हर जगह से उठा उठा के इतना ज्यादा स्कोर कर रहा, वो देख के तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि लास्ट कितने दिनों से मैंने स्कोर नहीं किया, बहुत ज्यादा भूखा नंगा हूँ मैं इस पॉइंट पे। इस मैच के एंड तक हम लोग यही पे फाइट करते रहते हैं, एंड टाइम अप होती हम लोग इस मैच को जीत जाते एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट स्कोर के साथ, मतलब डिफरेंस तो कुछ ज्यादा ही है स्कोर का। बेचारा जोरोआर्क मुझे पहली बार यहाँ पे मारने ही वाला था, लेकिन तभी मैच खत्म हो गया, खराब लगा। तो एट दी एंड रियली होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो को देख के एंजॉय किया होगा, और अगर तुम लोग को वीडियो देख के थोड़ा सा मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना डेली ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए। मैं मिलता हूँ तुम लोग को एक नए और अमेजिंग वीडियो के साथ, अंटिल देन पीस आउट एंड टेक केयर। अरे अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या ये वीडियो, कितना लंबा चलेगा ये, रोज रोज इसका यही किल डैमेज दिखाना, मैं तो चल रहा हूँ गाइस, तुम लोग देख लेना इसे।